मेरे पापा है लेबर का काम करते हैं, उनकी भी इनकम नहीं थी कि उन्होंने मतलब हमें आगे तक पढ़ा सके। मैंने प्लस टू तक करी है, मैं इस वजह से मैंने आगे तक मतलब कुछ काम करने को भी सोचा कि काम भी हम लोगों को लगे। और फिर उसके बाद हम लोगों को काम नहीं मतलब मिला तो मैं कॉल सेंटर में ज्वाइन, मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। ससुराल वाले मेरा साथ नहीं देते थे कि उन्होंने कहा कि मतलब घर की लेडी से घर में रहेंगी, बाहर काम करने नहीं जाएंगे। फिर ये घर में बैठने वाली में से तो थी नहीं, बाहर मैंने काम किया था शुरू से ही। जब मैं चंडीगढ़ में आई तो मुझे मेरी मतलब भाभी उपासना भाभी मिली, तो उनसे उन्होंने बोला कि हमारे जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो उन्होंने मुझे काम इस चीज़ का दिलाया। मैं नया शहर में काम करती हूँ, जो हमारे पास कपड़े आते हैं वो शहर की शहर से चंडीगढ़ से पूरे कपड़े आते हैं, उन्हें हम मतलब सेल करने का। और हमारे पास जो पहले कपड़े आएंगे तो हम उसको पहले छटाई करते हैं, छटाई करने के बाद हम उसको मतलब अलग अलग करके जो हमारे पास यूज़ करने वाले कपड़े होते हैं हम उसको अलग करते हैं, अलग करके फिर हम धोने के लिए उसको देते हैं। धो के जो धोकर सुखाकर फिर जो प्रेस करते हैं हम कपड़े, उसके बाद हमारे यहाँ सेल के लिए यहाँ पर लगाया जाता है कपड़े। और वो हम महिलाएं जो 10 से 50 रुपए के बीच में सेल करते हैं उस कपड़े को। और ये आगे जो वेस्ट कपड़े हमारे पास बचते हैं उसके बाद हम यहाँ पे हम बैगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बैगों और थैलों के लिए कपड़े दिए जाते हैं। इससे हमारी एक कुछ आमदनी भी अच्छी हो रही है। और जो कपड़े हमारे कूड़े में फेंक दिए जाते थे हम उन्हीं कपड़ों का अब आगे रीयूज़ कर रहे हैं ताकि ये कपड़े हमारे वेस्ट ना जाए। मैं ये अपील करती हूँ कि आप हमारे शहर को और अपने सिटी को स्वच्छ बनाने में आपको अपना भी योगदान दीजिए, जैसे हम लोग एक छोटे से योगदान में शामिल हुए हैं।